हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान आयुष काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही है, सेकेंड राउंड और फाइनल राउंड तक कितनी स्कोर तक आपको कंफर्म बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा दोस्तों, उसी पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी हेल्प चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के हम फर्स्ट राउंड की सबसे पहले काउंसलिंग कट ऑफ की बात करेंगे, क्या कट ऑफ रही है। जनरल कैटेगरी में आप देखें तो 67,455 रैंक रही है और मार्क्स रही है 609। अब जो सेकेंड थर्ड और बाकी जो राउंड में जाकर के ये जो कट ऑफ आपकी चले जाएगी वो 80 के रैंक तक जाएगी। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में भी सीटें भरेगी राजस्थान के बच्चों के द्वारा और स्टेट में भी, तो 10,000 रैंक तक पीछे जाएगा, 10 से 12,000 रैंक तक और 80,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 78,805 रैंक है, यहां पर 85 के रैंक तक के स्टेट कोटे के बच्चों को सीट मिल जाएगी कंफर्म। और उसके बाद करें सब कैटेगरी, एससी मतलब सब कैटेगरी है, यूआर गर्ल्स कैंडिडेट की रही है 66,689, यहां पर भी अगर आप देखो तो 76 के रैंक तक के होपफुली गर्ल्स कैंडिडेट को मिल जाएगा और थोड़ा सा नीचे 70 से 80 के रैंक तक के आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो 82,848 रैंक रही थी, 595 मार्क्स, यहाँ पर 90 के रैंक तक के जो है लास्ट तक के इस साल मिल जाएगा सीट। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 71,776 रैंक रही है फर्स्ट राउंड में, मार्क्स 605 रही है, यहाँ पर आपको 81 के रैंक तक के मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ओबीसी गर्ल्स कैंडिडेट का 73,361 रही है 603, यहाँ पर भी 83 के रैंक तक के लास्टली मिल जाएगा राजस्थान में, अभी नई सीटें भी ऐड हो सकती है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 118,892 रैंक रही थी, ठीक है, और यहाँ पर जो है 565 मार्क्स रही थी, यहाँ पर 1,30,000 रैंक तक के मिल सकती है। एमबीसी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 141,361 रैंक रही थी, यहाँ पर जो है 1.5 लाख रैंक तक के आपको बीएमएस गवर्नमेंट सीट एमबीसी गर्ल्स कैंडिडेट को मिल सकता है लास्ट राउंड तक। एससी कैटेगरी में 2,22,839 रैंक रही थी, 488 मार्क्स, तो यहाँ पर आपको 2.5 लाख रैंक तक के एससी कैटेगरी में स्टेट में मिलने की चांसेस है। एससी गर्ल्स कैंडिडेट का भी 2,30,253 रही थी, यहाँ भी 2.5 लाख रैंक तक के होपफुली मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,64,116 रैंक रही थी, तो यहाँ पर आपको जो है 3 लाख रैंक तक के जो है स्टेट के कोटे में मिल जाएगी। एसटी गर्ल्स का 2,71,000 समथिंग है, तो यहाँ पर भी 3 लाख रैंक तक के होपफुली मिल जाएगी लास्ट तक के कट ऑफ, ठीक है। और एसटीए कैटेगरी में 4,24,000 रैंक, लास्ट ईयर भी आपको याद होगा 6 लाख रैंक तक के गई थी, तो इस साल आपको 5 लाख रैंक तक के होपफुली आपको एसटीए कैटेगरी में मिल जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट को भी 5 लाख रैंक तक के सेफर माना जा रहा है, इस साल भी 4,34,069 रैंक रही थी। अब देख लेते थोड़ा बीएचएमएस की, बीएचएमएस की जो कट ऑफ है, देखिए होता क्या है, यहाँ पर 90 के फीस है, आप सबको पता होगा होम्योपैथी और यूनानी की जो फीस है वो 90,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की है, तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन दूसरे स्टेट में लेते हैं कम फीस को लेकर के। फीस सबसे बड़ा फैक्टर्स जो है वो राजस्थान में कंसिडर होता है, राजस्थान में आपको जो है वो सबसे मेजर फैक्टर जो है आपका फीस है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 3,65,154 रैंक रही थी, मार्क्स 405 मार्क्स रही थी, यहाँ पर मैं आप सबको बता दू स्टेट कोटे में जो है आराम से जो है 4 लाख रैंक तक के मिल जाएगी जो बीएचएमएस कोर्सेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5,52,030 रैंक रही थी, यहाँ पर दोस्तों आपका वो फुल्ली 6 लाख रैंक तक के चली जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में 6 लाख रैंक अभी तक गई है, 7 लाख रैंक तक, इवन आपका कम स्कोर भी है तो भी गवर्नमेंट के लिए ट्राई जरूर करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी में 5 लाख रैंक तक है, 5,27,000 रैंक है, यहाँ पर आपको 8 लाख रैंक तक के प्राइवेट गवर्नमेंट बीएचएमएस जा सकता है। एसटी कैटेगरी में 5,36,772 रैंक रही है, तो यहाँ पर भी आप गाइस थोड़ा सा पीछे जा करके 6 लाख रैंक तक के, 6 से 7 लाख रैंक तक के सी और एसटी कैटेगरी में जा सकते हैं। उसके बाद एसटीए कैटेगरी में 7,40,000 रही थी, यहाँ पर 10 लाख रैंक तक के बच्चों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि फीस इतनी ज्यादा हाई है कि सीटें अगर 2-4 सीट भी बचती है तो बहुत कट ऑफ का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। यूनानी की बात करते हैं 11 लाख रैंक, 10 लाख रैंक रही है ईडब्ल्यूएस का और 13 लाख रैंक रही है ओबीसी कैटेगरी का, एमबीसी का 13 लाख और एससी कैटेगरी में 12 लाख और एसटी कैटेगरी में 12 लाख। तो यहाँ पर जो है यूनानी कोर्स में अगर क्वालिफाइड स्कोर है आपका तो आपको ट्राई करनी चाहिए,
11 लाख 10 लाख 12 लाख रैंक तक के किसी भी रैंक तक की सीटें मिल सकती है और एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक के भी यूनानी की सीटें और होम्योपैथी की सीटें राजस्थान में खाली रहती है। तो लास्ट एंड लास्ट तक के क्वालिफाइड स्कोर वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट सीट चाहिए तो ट्राई करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आप सबको राजस्थान BAMS BHMS BUMS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया लास्ट तक के। अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ नए अपडेट लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।